Hey guys, I hope you all are doing good. So this video is all about what I eat when I go out. So this is summer time in Canada और summer बहुत ही short होती है, but we make sure कि हम कहीं ना कहीं घूमें हर Saturday Sunday और possible होता है कि बाहर का खाना खा हो जाता है. To avoid that, I always carry some food with me और मैं क्या लेके जाती हूँ morning to breakfast to dinner, वो मैं share करने वाली हूँ just to eat healthy. And to stay, you know, disciplined. और breakfast में मैं लेके जा रही हूँ oatmeal, जो कि मैंने रात को ही बना के रख ली थी. तो oatmeal बनाने के लिए मैंने oats लिए हैं और जिनको मैंने soak करा है almond milk में. और इसमें मैंने काफ़ी सारे seeds add करे हैं टू यू नो मेक इट वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस. और थोड़े से फ्रूट्स ऐड करें हैं. सो चिया सीड्स 2-3 स्पून ऐड करने हैं. तो इट्स काइंड ऑफ चिया सीड पुडिंग एज वेल. नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ हेम्प सीड्स. दीज आर सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑल सॉर्ट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड सम सिनेमन पाउडर फॉर फ्लेवर एज वेल, पीनट बटर थोड़ा सा. और जो मैं फ्रूट ऐड कर रही हूँ वो है बेरीज. तो 4 different berries जो हैं वो ऐड कर रही हूँ. तो ये फ्रोज़न मैं कर रही हूँ. तो फ्रोज़न मैं यूज़ करती हूँ स्मूदीज़ के लिए या ओट मील के लिए समटाइम्स. और जब स्ट्रॉबेरीज हैं या कोई और भी होता है तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ. बट मेरा प्राइमरी पर्पस फ्रोज़न का यही होता है कि ओटमील में काम आती है. और इसमें मैं ये आलमंड मिल्क ऐड करूँगी. और स्वीटनर में मैं मेपल सिरप यूज़ कर रही हूँ. सो इसको मैं रात को ही बना के प्रिपेयर अलग अलग कंटेनर में रख लेती हूँ फैमिली के लिए. तो हम सब ये खाते हैं. तो ये ब्रेकफास्ट होने वाला है मॉर्निंग में. स्नैक्स में मैं कैरी कर रही हूँ ट्रेल मिक्स, जिसमें आलमंड है, पीनट्स, डिफरेंट सीड्स हैं और साथ में मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी रखे हैं. तो जो भी खाने का मन करेगा तो जस्ट ये साथ में है. और टू यू नो अवॉइड दोज एक्स्ट्रा जो हम बाहर से ले लेते हैं. और अराउंड 10 जब हम पहुँचे थे तो मैंने सबसे पहले एक कॉफ़ी ली, जस्ट रेगुलर कॉफ़ी. और क्योंकि मॉर्निंग में नहीं ली थी. और लंच में जो साथ में लेके जा रही हूँ वो मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के बना लिया था. सो सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम हाफ एन आवर लगता है. और छोले पुलाव के लिए मैंने काफ़ी सारा अनियन लिया, देन इसमें मैंने जिंजर ऐड किया और छोले बॉयल करके रख लिए थे ऑलरेडी मैंने. और वो मिक्स करके देन स्पाइसेस ऐड करे हैं, बेसिक वाले सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और दही ऐड करना मैं भूल गई थी इसमें. बट फिर देन टोमेटो प्योरी ऐड करा और ये क्विकली बन जाते हैं. 1 pot meal है, कहीं जाना है तो पिकनिक के लिए अच्छा है. तो हम हर वीकेंड पिकनिक पे जाते हैं. कुछ ना कुछ घर पे खाने के बजाय हम कभी बीच पे चले जाते हैं, कभी किसी और टाउन में चले जाते हैं. सो यू नो इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फैमिली के साथ बैठ के खाना और नेचर में जाना. इट्स यू नो इट फील सो गुड. तो 5 मिनट प्रेपरेशन के लगते हैं और 15 मिनट में ये बन जाते हैं छोले पुलाव. और फिर मैं पैक कर लेती हूँ इनको. जब थोड़ा ठंडा हो जाता है देन आई क्लोज़ अ लिड और पैक कर लेती हूँ लेके जाने के लिए. और साथ में मैं थोड़ा सा दही लेके जा रही हूँ रायते की फॉर्म में और थोड़ा सा अचार, दैट इज़ ऑप्शनल अगर आपको खाना है. और साथ में थोड़ा कुकुम्बर लेके गई थी, आई थिंक वो मैं फिल्म नहीं कर पाई हूँ. तो सैलेड, दही और पुलाव, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लंच.
चांसेस हैं कि हम थोड़ा लेट हो सकते हैं, तो मैंने रात के डिनर के लिए मेथी रोटी रख ली थी है, और मेथी मैंने रात को ही ये इसको सॉर्ट आउट करके रख लिया था, क्लीन करके रख लिया था, और मॉर्निंग में मैंने जस्ट डो इसका करा। इट क्विकली यू नो इट हार्डली टेक्स अराउंड 10 मिनट्स यू नो फॉर चॉपिंग एंड आटा बनाने के लिए। तो आटे में मैंने थोड़ा सा रवा ऐड करा है जस्ट फॉर यू नो दैट क्रिस्पीनेस रोटी में आती है, और सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ी सी अजवाइन पाउडर अजवाइन सीड्स ऐड करे हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला और बेसिक मसाले से ऐड आप जो भी आपको लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। और देन अनियन और मेथी लीव्स जो हैं वो ऐड करके थोड़ा ऑयल ऐड करके मैंने नीट इसको डो बना लिया है, और ये हमारे घर का फेवरेट पराठा कम रोटी है, सबको बहुत पसंद है, और ये कभी भी खाओगे तो फ्रेश ही लगती है, और साथ में थोड़ा दही ले जाऊंगी खाने के लिए। तो अगर हम घर पे वापस आ गए हैं तो दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, बट साथ में मैं हमेशा बैकअप के लिए रखती हूँ कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेके डिनर साथ में होना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड एक्स्ट्रा यू नो फूड, क्योंकि बाहर यहाँ पे ऑप्शन जो होती है वो होती है पिज़्ज़ा या बर्गर या फ्राइज़, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं, और अगर वेजिटेरियन हो तो बहुत ही कम ऑप्शंस होती हैं। हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं बट स्टिल हम अवॉइड करते हैं कि बाहर का खाना कम से कम खाएं। कभी स्पेशल डिनर पे जाना है देन वो अलग बात है, बट पूरे दिन पे आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, स्पेशली जब आप हेल्दी खाना चाहते हो और वेट लॉस जर्नी पे हो। तो रोटी भी मैंने पैक कर ली है थोड़े से दही के साथ ही, एम्बर का टिफ़िन है ऐसा ही मैंने अपने लिए पैक करा है, और इजी होता है क्योंकि एम्बर पीछे बैठती है, कई बार उसको रास्ते में भूख लग जाती है, और तो जस्ट उसको मैं पकड़ा देती हूँ ऐसे। और साथ में थोड़े से फ्रूट्स जो मैं रख रही हूँ वो है ग्रेप्स, ऑरेंजेस और एप्पल, तो सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है, और समटाइम्स वी टेक बनाना तो यू नो शफल करते रहते हैं, तो ये है फ्रूट्स जो मैं साथ में कैरी कर रही हूँ। और वहाँ पे जाके हम पिकनिक में, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स बहुत बने होते हैं, कहीं भी पार्क में जाओ आप या कहीं भी जा रहे हो कनाडा में आप, तो आपको इतने पार्क्स मिलेंगे, बैठने के इतने स्पॉट्स मिलेंगे, बट वेदर वाज सो कोल्ड, तो फटाफट हमने खाना खाया और उसके बाद हमने इंजॉय करी ये सफारी। तो सफारी का जो टूर वीडियो है वो मैं अलग से करूँगी। सो दिस इज़ वॉट आई ईट इन अ डे व्हेन आई गो आउट, और जब भी कॉफ़ी लेती हूँ आई ट्राई टू यू नो टेक विद मिल्क ओनली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कॉफ़ी क्रीम के साथ मिलती है। सो मैं फिर मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक आप ये वाला व्लॉग इन्जॉय कीजिए, मिनी सफारी व्लॉग, और प्रॉपरली मैं शेयर करूँगी। सो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।